नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी, क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। दुनिया में हर रिश्ता विश्वास की नींव पर खड़ा होता है। किसी का भी विश्वास जीतना मुश्किल होता है, लेकिन सबसे मुश्किल होता है उस विश्वास को बनाए रखना। लेकिन कुछ लोगों की फितरत होती है विश्वासघात। जमीर, जज्बात, इंसानियत, ऐसे लफ्जों से इनका कोई लेना देना नहीं होता। उनके लिए अपना पराया, सही गलत कुछ मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो सिर्फ अपना मुनाफा, खुद का स्वार्थ। ये केस भी छल और प्रपंच की ऐसी हैरतंगेज दास्ता बयां करता है जो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनने वाला था। हम पुलिस वालों का एक दिन आम लोगों के 24 घंटे जैसा नहीं होता है। हम कभी ये प्लान ही नहीं कर पाते कि आज हमें क्या करना है। हम लोग फैमिली के साथ सैटरडे संडे कभी भी हॉलीडेज भी प्लान नहीं कर पाते हैं। फैमिली के साथ खाना खाए हुए कई कई दिन हो जाते हैं। हर रोज नए चैलेंज, नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। देखते हैं आज क्या चैलेंज मिलते हैं। ये नसीम फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मिनिस्टर की रैली 1 घंटे में शुरू होने वाली है और कैमरा में नसीम फोन ही नहीं पिक कर रहा, पता नहीं कहाँ मर गया। अरे यार, तेरा नाम कोयल है, कभी तो मीठी बातें क्या कर रहा। रिपोर्टर को मीठी नहीं, सच्ची बात करनी चाहिए। वाह मैडम वाह, क्या डायलॉग मारा आपने, है ना। थैंक यू, मेरा उस बच्चे से बात करना बहुत जरूरी है। अरे सुन, अरे सुनो प्लीज प्लीज, थैंक यू, बाय। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आपको मेरा नाम कैसे पता? मैंने सब कुछ देखा है बेटा, मुझे काम है, मुझे जाना है। सत्तू बात सुनो, सत्तू मेरा नाम कोयल है, मैं एक रिपोर्टर हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। सत्तू तुम्हें अपने घर की, अपनी माँ की याद नहीं आती? आती है ना अपनी माँ की याद। सत्तू मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह समझो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। इसके लिए तुम्हें मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। बोलो करोगे ना तुम मेरी मदद? जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस आदमी ने बच्चों को किस तरह बेड़ियों से बांधकर रखा हुआ है। जिस घर में इन बच्चों को बेड़ियों से बांधकर रखा है, हम लोग उसी घर के बाहर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सर अंदर। ठीक है, आप लोग बाहर ही रुकिए। साहब, मचाइएगा। चाबी दे। ये लीजिए साहब। अरे साहब, आपको गलत फहमी हुआ है साहब। अरे मैं तो ननाद बच्चों का केयर टेकर हूँ साहब। बच्चों के जंजीर बांध के ना बड़ी केयर कर रहा था उनकी। ले जा। दुष्यंत दयाल, जो पिछले गांव से बच्चों को किडनैप करके लेकर आता था, लड़कियों को रेड लाइट एरिया में बेच देता था और लड़कों से अपने पैकेजिंग यूनिट में दिन रात मजदूरी करवाता था। नन्ही जिंदगियों से खेलने वाला ये दुष्यंत दयाल न केवल कानून का बल्कि इंसानियत का भी गुनहगार है। फिलहाल के लिए दुष्यंत दयाल फरार है, पुलिस उसके पीछे पड़ी है, जल्द से जल्द वो पकड़ा जाएगा। कैमरामैन नसीम के साथ मैं कोयल वाधवा, देखते रहिए रियल ट्रुथ चैनल। तुझे कितनी बार बोला है इस सारी कमीनी का चेहरा इस घर में नहीं दिखना चाहिए। पंकज प्लीज, कोयल मेरी बहन है, ऐसे मत बोलिए। बार बार बोलूंगा कोयल कमीनी है साली। पंकज बस करिए, वरना मैं वरना वरना क्या हा? मैं एक आम लड़की हूँ और हर आम लड़की की तरह मेरा होना ना होना एक बराबर है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए तो 20 महीने लापता होने के बावजूद किसी को फर्क नहीं पड़ा। मैं तो उस कैद से निकल आ गई, लेकिन क्या मैं आजाद हूं? क्या आप आजाद हैं?
जो आपका मन करे वो आप कर सकते हैं। आपकी खामोशी ही मेरे सवालों का जवाब है। दरअसल चैनल वाले पहले हमारा नाम चुराया और अब हमारे स्पॉन्सर चुरा रहे हैं। सर उस लड़की की कहानी से रातों रात ये नया चैनल बहुत पॉपुलर हो गया है। और हम उस लड़की का पता तक नहीं लगा पाए हैं। सर आई थिंक हमें भी उन्हीं की तरह ग्राउंड रियलिटीज को बयां करने वाली स्टोरीज कवर करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा कोयल ने। हमें ऐसी स्टोरीज चाहिए जो लोगों के दिलों को छू सके। जी सर, जिनमें कंसर्न हो, एक आम आदमी की परेशानी दिखाई दे। हमें किसी भी तरह से असल सच से रेटिंग में आगे निकलना होगा। And I'm sure, ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो। Yes, sir, I will. राजन बोल तो रही हूँ रात को मिलते हैं, अभी भी बहुत काम है। After 11? कोयल, यार मंगेतर हो तुम्हारा, थोड़ा टाइम मेरे साथ भी स्पेंड कर ले। हाँ पक्का मिलेंगे। चलो अभी मैं फोन रखती हूँ, लगता है कोई आया है। ओके बाय। अरे दीदी आप अचानक कैसी हो? मैं अच्छी, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। चाय पिएगी बेटा? नहीं माँ। अच्छा तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। ठीक है आजा। और बताओ सब ठीक है ना? हाँ एकदम। दीदी ये सब कुछ नहीं, तू बता तू ठीक है ना? आज तो मैं सुरीली का फेवरेट सूजी का हलवा बनाने वाली हूँ, खाएगी ना बेटा? ठीक है माँ, आप ना ब्रेकफास्ट ऊपर रूम में भेज। अरे तो मुझे दीदी से बहुत सारी बातें करनी है। ठीक है पानी तो पी लेने दे बेटा उसको। अच्छा दीपक 6 बजे आ जाना लेने। हाँ मुझे बहुत काम है, आप ऑटो को लीजिएगा। हेलमेट पहनो, हेलमेट पहनो, सेफ रहता है। माँ? हाँ बेटा। माँ कोयल का फोन आया था क्या? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? नहीं उसके मिस्ड कॉल थे और अब उसका फोन ही नहीं लग रहा है। हाँ सर जी शिकार तैयार है, जल्दी आ जाइए। ये सुबोध भी फोन नहीं उठा रहा है माँ, अब क्या करें बेटा? अब राजन, मैं राजन को फोन लगाती हूँ। हाँ हाँ दीदी आप टेंशन मत लो, कोयल ने बताया था कि थोड़ी बिजी है इसलिए हम रात को ही मिलने वाले थे, लेकिन फिर भी मैं एक बार पता लगाता हूँ कि वो कहाँ पे है। तो आपकी बहन कोमल किस समय गई? नहीं सर, कोयल, कोयल वाधवा। हाँ हाँ कोयल, कोई लड़के का चक्कर था? ये क्या बकवास कर रहा है? हाँ क्या बकवास कर रहा है? मैं आपको इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। दीदी आप शांत हो जाइए। सर कोयल मेरी मंगेतर है और बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है। देखिए आप बेकार ही घबरा रहे हैं, देखिए किसी काम से गई होगी, आ जाएगी खुद ब खुद। सर आप समझ नहीं रहे हैं, मेरी बहन दोपहर तक ऑफिस से घर आने वाली थी लेकिन वो ऑफिस
ऑफिस पहुंची ही नहीं। देखिए, आपकी बहन के बारे में जैसे ही हमें कुछ भी पता चलेगा हम खुद आपको फोन करेंगे, ठीक है? अब आप जाइए। नहीं सर, मैं नहीं जाऊंगी। जब तक मेरी बहन के बारे में पता नहीं चल जाता मैं यहीं रहूंगी। जैसे कोई पता चले मुझे अपडेट कर। माँ टेंशन मत लो, कोयल मिल जाएगी। राजन एक काम करोगे प्लीज, मम्मी को घर ड्रॉप कर दो। दीदी मैं यहीं रुकता हूँ, आप माँ के साथ चले जाओ। नहीं मैं यहाँ संभाल लूंगी राजन, बस बस तुम मम्मी को यहाँ ले जाओ। ठीक है दी, अपना ख्याल रखना। कितनी बार समझाया तुझे, दिन में जो करना है कर, पर रात में तो कम से कम घर में रहकर। हाँ लेकिन मैं कहीं गया नहीं और मैं उनको बता के तो गया था मैं आपको। तुमने ये बताया था कि तुम लेट आओगे, ये नहीं बताया था कि रात भर बाहर रहोगे। हाँ मतलब बात तो एक। अरे तुम्हारी बकबक बंद करो, जरा टीवी ऑन करो, असल सच वाले शो का टाइम हो गया है। मुझे उग्रवादियों ने अगवा कर लिया, उन्हें शक था कि मैं पुलिस की मुखबिर हूँ, और जब मैं वहां से रिहा हुई तो पुलिस मुझे शक की नजर से देखने लगी। उन्हें लगता कि उग्रवादियों ने मुझे जासूसी करने के लिए जिंदा छोड़ा। कई लेबल्स दिए गए थे मुझे, एंटी नेशनल, एंटी सोशल, ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ? क्या अगर मैं किसी नेता या अमीर बिजनेसमैन की बेटी होती तो क्या ये सब मेरे साथ होता? लेकिन मैं तो एक आम लड़की हूं ना, एक आम लड़की का होना ना होना एक बराबर ही है। आम लड़की के दर्द को जबा देने वाला अगला एपिसोड प्रसारित होगा कल दोपहर 2 बजे असल सच पर। ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। मैंने आप लोगों को कितनी रिक्वेस्ट की थी लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैं मानता हूं हमसे चूक हुई है, लेकिन मैं वादा करता हूं आपसे आपकी बहन के कातिलों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें सजा हम जरूर दिलवा कर रहेंगे। उसे मेरी बहन तो वापस नहीं मिल जाएगी ना? नहीं मिलेगी, लेकिन फिर किसी दूसरे की बहन के साथ ऐसा नहीं होगा। प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए, हमारे कुछ सवाल हैं जिनके हमें जवाब चाहिए ताकि हम जल्द से जल्द आपकी बहन के कातिलों तक पहुंच सके। क्या उस दिन कोयल ने आपसे कुछ बताया था कि वो किससे मिलने जा रही है, कहाँ जा रही है? ओके दीदी अब मैं चलती हूँ, आज आपकी वजह से सारे काम पोस्टपोन किए मैंने, एक ऑफिस का छोटा सा काम है वो खत्म करके 3 बजे तक आती हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं मेरी कोयल को आखिरी बार देख रही। कोयल से फोन पे बात हुई थी आपकी? जी नहीं, पर हाँ करीब 1 बजे उसने मुझे कॉल किया था, पर तब मैं सो रही थी, उठ के फोन देखा तो उसके मिस्ड कॉल्स थे। जब उसे कॉल किया तो उसका फोन बंद आ रहा था। इसका मतलब ये कि कोयल का फोन 1 बजे तक तो एक्टिव था। ऑफिस का काम? जी नहीं सर, कोयल ने तो ऑफ लिया हुआ था कल का। कोयल सामाजिक मुद्दों पर रिपोर्टिंग करती थी, कभी किसी ने किसी तरह की कोई धमकी दी थी कोयल को? जी नहीं सर, कभी ऐसा हुआ नहीं, और ना ही कोयल ने इस बारे में हमें कुछ मेंशन किया था। देखिए आपके चैनल का नाम रियल ट्रुथ है, आई होप आप ये समझते होंगे कि सच छुपाना भी एक तरह का झूठी होता है। मतलब मैं सच क्यों छुपाऊंगा, और मैं तो खुद बहुत दुखी हूं कि कोयल जैसी होनहार लड़की। कोयल ने पिछले 1 साल में जितने भी मैटर पर रिपोर्टिंग की है सबके डॉक्यूमेंट इकट्ठे, इन कंपनीज को किसी की जान से ज्यादा अपनी छवि प्यारी होती है। आई एम श्योर ये जो कोयल का बॉस है रमेश, ये कुछ तो छिपा रहा है हमसे, इसकी भी डिटेल्स निकालो। कमजोरों की आवाज बनने वाली कोयल हमेशा के लिए खामोश कर दी गई। क्या कोयल की हत्या उसकी ईमानदार पत्रकारिता के चलते हुई थी या बात कुछ और थी? सवाल कई थे लेकिन इनके जवाब ढूंढने के लिए पुलिस के पास वक्त बहुत कम था। अब तक की इन्वेस्टिगेशन से पुलिस ने यही अनुमान लगाया था कि कोयल की मौत एक सोची समझी साजिश के तहत थी,
लेकिन अब दावे के साथ कुछ भी कहना मुश्किल था। कोयल की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट इस केस को एक ठोस दिशा दे सकती थी और आखिरकार काफी इंतजार करने के बाद वो रिपोर्ट पुलिस के हाथ लगी। सर, 2 से 3 सीमेंट ट्रेसेस मिले। सर, कोयल के साथ 2 से ज्यादा लोगों ने रेप किया था। टोटल 7 हड्डियां टूटी थी। सर, बड़ी बेरहमी से पीटा गया था कोयल को। ऐसा लग रहा है जैसे कोई कोयल को सिर्फ मारना नहीं चाहता था, कुछ पॉइंट प्रूव करना चाहता था। जैसे सालों की नफरत रही हो कोयल के साथ किसी की, पर ऐसी दुश्मनी किसकी हो सकती है? सर, कहने को तो मैं कोयल की बड़ी बहन थी, लेकिन हमेशा कोयल ने मुझे संभाला, हमेशा सही रास्ता दिखाया। सॉरी दीदी, लेकिन इसमें आपकी गलती है। जब पहली बार उस कायर पंकज ने आपके ऊपर हाथ उठाया था ना, उसे तभी मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था। पुलिस में शिकायत करनी चाहिए थी उसकी। शिकायत करके क्या हो जाता? माँ को शिकायत करके क्या हुआ? दीदी, किसी भी रिश्ते में वायलेंस हो ही नहीं सकता। मेरी मानो, छोड़ दो पंकज को, इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। सर, ये रही कोमल की कार। पेट्रोलिंग टीम ने इसको स्पॉट किया था, ये इसे ढकी हुई थी। मैंने इसको चेक किया, गाड़ी खराब है। खराब गाड़ी को ऐसे कोमल ढक के तो रखेगी नहीं। जाहिर सी बात है, ये भी प्लान का हिस्सा रहा होगा। इस एरिया को अच्छे से स्कैन करो। यहाँ से लेकर जहाँ तक कोयल की बॉडी मिली थी, वहाँ पूरा एरिया छान मारो अच्छे से। सर, ये देखो टायर के मार्क्स, ऐसा लगता है जैसे गाड़ी को यहाँ पर धक्का देकर लाया गया है। सर, ये देखिए, इसका मतलब ये है कि कोयल को यहाँ से किडनैप किया गया। सर, इस एरिया को देखकर लगता तो नहीं है कि यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा होगा। भले ही ना हो, यहाँ आसपास जितने लोग भी रहते हैं, यहाँ से रेगुलर गुजरते हैं, सबसे पूछताछ करो, फोटो दिखाओ कोयल, किसने किसने कुछ ना कुछ जरूर देखा होगा। जी सर। और सर, कोयल की बॉडी जिस जगह पर हमें मिली थी वो यहाँ से करीब 5 किलोमीटर ही दूर है। यहाँ पर ऐसे कोई साइन नहीं मिले हैं जिससे ये लगे कि कोयल का यहाँ पर रेप और मर्डर हुआ है। और जहाँ पर कोयल की हमें बॉडी मिली थी वहाँ पर भी इस तरह के कोई साइन नहीं थे। इसका मतलब ये है कि कोयल को यहाँ से किडनैप करके किसी तीसरी जगह पर ले जाया गया, और वो जगह भी यहीं कहीं आसपास ही होनी चाहिए। सर, क्यों ना इस कार को फॉरेंसिक के लिए भेज दें। एक मिनट, ये वही एरिया है ना जहाँ पर काफ़ी शराबी जुआरी घूमते हैं? हाँ सर, और ये आसपास के एरिया से तो काफ़ी शिकायतें भी आती रहती हैं। जितने लोग भी शराब पी के यहाँ जुआ खेलते हैं सबको उठाओ, कुट्टो, देखो कोई ना कोई कुछ ना कुछ जरूर पके। सर सर, हाँ तो वत्सल, समझ में आया ना? यस सर। लॉ ऑफ ग्रेविटी कैसे काम करती है? यस सर। हाँ, मैं तुम्हें एग्जांपल देके समझाती। गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही एक चीज दूसरी चीज से आकर्षित होती है, इस तरह से। देखो, समझ में आ रहा है? वत्सल, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? नहीं, नहीं, मैं क्या मैं अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। सर, कोयल के ऑफिस से पता चला है कि असल सच चैनल और रियल ट्रू चैनल्स के बीच में राइट्स को लेकर झगड़ा चल रहा था। लेकिन सर, अजीब बात यह है कि कोयल की मौत से एक दिन पहले दोनों चैनल्स के बीच में समझौता हो गया था। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। कोयल के किसी कलीग से बात हुई तुम्हारी? सर, कोयल का एक कलीग है सुबोध, जो कि रिपोर्टर है, और उसने आज ही असल सच चैनल ज्वाइन किया है। ऐसे अपॉइंटमेंट रातों रात नहीं होते। रेजिग्नेशन देने से 1 महीना पहले नोटिस देना होता है, एक प्रोसीजर होता है। लेकिन सर, सुबोध के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, और रियल ट्रू चैनल के ऑनर रोमेश ने भी इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। और सर, असल सच चैनल ने रियल ट्रू चैनल को 20 लाख रुपए दिए हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये हम दोनों चैनल्स का इंटरनल मामला है, अगर आप दखल ना दें तो बेहतर होगा। एक लड़की की जान गई है, जो भी रियल ट्रू से बता दे, नहीं तो कल को तेरे ही चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज में आएगा कि पुलिस वालों ने एक चैनल के मालिक को उसके स्टाफ के सामने कुत्तों की तरह कुटा है। चॉइस दे रहा हूं तुझे, सोच ले। देखिए सर, दरअसल हमारा चैनल 1 साल पहले नंबर 1 पर था। ये असल सच सिर्फ 3 हफ्ते पहले लॉन्च हुआ है सर, जिस पर दीप्ति नाम की लड़की अपनी आप बीती सुनाती है सर। और उसके बाद असल सच ने हमें ओवरटेक कर लिया सर। ये दीप्ति कौन है? सर, 2 साल पहले दीप्ति नाम की लड़की का अपहरण हुआ था।
किसी आतंकवादी संगठन ने उसका अपहरण किया था। किसी तरह से वो वहां से बचकर भाग निकली। उसके बाद पुलिस ने उसे टॉर्चर किया और अब वही दीप्ति अपनी कहानी असल सच पर सुनाती है सर। और लोग पार्टी भर भर कर आंसू बहाते हैं सर। और हम चैनल वाले अपनी टीआरपी को लेकर सर। टीआरपी गई थी तो सीधा सीधा ये बोल, कोयल का इस दीप्ति से क्या कनेक्शन है? कोयल को शक था कि असल सच वालों ने दीप्ति को कैद कर रखा है और तभी से वो इस केस के पीछे लगी हुई थी सर। तेरे कहने का मतलब यह है कि कोयल दीप्ति के केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी? जी सर। सर अगर आपको यकीन ना हो तो आप हमारे कैमरामैन नसीम से पूछ लीजिए। जी सर। मैं सुबोध और कोयल ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर दीप्ति रहती कहाँ, इसलिए हमने असल सच के जो रिपोर्टर है सुधीर जी उनको फॉलो किया और एक दिन कोयल तुम यहां? लड़की का सुधीर दीप्ति कहाँ है वो लड़की? यहाँ कोई नहीं है कोयल। तो असल चैनल वाले दीप्ति का इस्तेमाल कर रहे थे टीआरपी के लिए? जी सर। फिर दोनों चैनल के बीच सेटलमेंट कैसे हुआ? अब बोलेगा या फिर मैं मेरे तरीके से मुंह खुलवाऊं तेरा? सर एक्चुअली असल सच के ओनर ये चाहते थे कि ये राज राजी रहे। उन्होंने ऑफर भी दिया, उन्होंने कहा कि आगे से दीप्ति के बाइट्स हमारे चैनल पे भी ऑन एयर होंगे और साथ ही साथ उन्होंने रोमेश सर को लाखों कंपनसेशन और हम तीनों को जॉब ऑफर करी विद हायर सैलरी। लेकिन बिल्कुल सही मौका यार, सीधा डबल सैलरी ऑफर कर रहे हैं। सुबोध हम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हैं? उस लड़की की जिंदगी एक कैसे दूसरे कैद में कट रही है। अरे यार कोयल कभी तो प्रैक्टिकल होकर सोचा कर यार, हम लोग थोड़ी टॉर्चर कर रहे हैं उसको। और उसकी तकलीफ भी तो नहीं समझ रहे ना हम। मैं सर से बात करूंगी, हमें सच का साथ देना होगा। उस असल सच में बैठे उन गिद्धों का पर्दा मैं फाश करूंगी। देख यार कोयल, तुझे ऑफर नहीं लेना है मत ले, लेकिन तू हम लोगों का चांस क्यों खराब कर रही है? शट अप सुबोध, ना तो मैं कुछ गलत करूंगी ना उस लड़की के साथ कुछ गलत होने दूंगी। लेकिन सर कोयल इस मामले में कुछ भी नहीं कर पाई। रातों रात दोनों चैनल्स के बीच में दीप्ति को लेकर डील हो गई। उन्होंने डिसाइड किया कि दीप्ति को कुछ पैसे देंगे और उसके प्रोग्राम के राइट्स दोनों चैनल मिलकर शेयर करेंगे। अब इस डील में एक ही रुकावट थी कोयल, इसलिए अगले दिन उसको रास्ते से हटा दिया और सुबोध ने असल चैनल ज्वाइन कर लिया। नहीं सर, ये दोनों बातें बिल्कुल अलग थी सर। तो असल चैनल वालों ने लाखों रुपए किस बात के दिए? ये सारा पैसा इतना बड़ा अमाउंट कोयल को मारने के लिए नहीं था? नहीं सर, ये तो हमारे चैनल के नाम और लोगों को लेकर के जो डिस्प्यूट था उसका सेटलमेंट था, जो हमने आउट ऑफ द कोर्ट जाकर के सेटलमेंट कर लिया था सर। बस ये इत्तेफाक है कि ये सब चीजें कोयल की मौत से ठीक एक दिन पहले हुई है सर। अगर ये इत्तेफाक नहीं हुआ ना तो तेरी ब्रेकिंग न्यूज मैं बनाऊंगा। सर कोयल की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है सर। सर मैंने बस अपना फायदा देखा और चैनल बदल लिया। लेकिन कोयल दीप्ति की सच्चाई सामने लाना चाहती थी, इसलिए तूने उसे मार दिया। सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है सर। सर ये डील दो चैनल्स के बीच में हुई थी और सर कोयल चाहकर भी उन लोगों को कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। और सबसे बड़ी बात सर, हमें उससे कोई खतरा था ही नहीं, तो हम ऐसा क्यों करेंगे सर? लड़की दीप्ति कहाँ है? क्या हुआ सर? मुकेश अरे गाड़ी सर, सर सुनिए सर, अरे सर सर आप सुनिए सर, मेरी बात तो सुनिए सर, आप गलत समझ रहे हैं। बेटा खुद को सजा देना बंद कर, ना तो कुछ खाती है ना बोलती है, तेरे ये सब करने से अब कोयल कभी वापस नहीं आ पाएगी बेटा। सब मेरी गलती है माँ, अगर मैं उस दिन कोयल के फोन उठा लेती तो ये सब कुछ नहीं हो। तेरी कोई गलती नहीं है और तेरा कोई दोष नहीं है इसमें। नहीं माँ नहीं, ये सब मेरा कसूर है। नहीं बेटा, मेरा कसूर है। अब डरने की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ ना एक क्राइम सिर्फ तब तक याद रहता है जब तक दूसरा क्राइम नहीं हो जाता है, और हमारे यहाँ दिन में 10 क्राइम होते हैं और पुलिस वाले कहाँ कहाँ भागते फिरेंगे। रुक मैं तेरे को कॉल करता हूँ। क्या बातें हो रही हैं? हाँ
कुछ नहीं, बस ऐसे। मिस कर रहा हूँ। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। अरे भैया, पुलिस कहीं की भी हो, मुजरिम से कम तेजी होती है, क्योंकि पुलिस ऊपर ऊपर से देखती है, अंदर झांक कर देखना ही नहीं आता उन लोगों को। हमने अभी सुना है, कल एक लड़की की लाश मिली थी यहीं कहीं, पत्रकार थी, पुलिस ने बहुत ढूंढा पर कोई चश्मेदीन गवाह ही नहीं मिला। क्यों नहीं मिला सोचो जरा, क्योंकि पुलिस अंदर तक नहीं घुसी। आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे पुलिस से ज्यादा आपको मालूम हो। बिल्कुल है। तो हमें भी बताओ, हमें भी जानना है। ठीक है भैया, बताते हैं। अभी परसों की बात है, हमारा पेट थोड़ा गड़बड़ था तो हम चल दिए झाड़ियों में। अब वहां जाकर देखते हैं कि कुछ लोग ताश पत्ती खेल रहे हैं। अरे सरजी का काम कोई तेरी तरह थोड़ी है जो दो मिनट में पूरा हो जाएगा। अरे सरजी है, टॉप का माल है, लड़की है, सरजी पूरा मजा लेकर आएंगे। तो आराम से बैठे यहाँ पर, ठीक है? अरे हमें तो उस काली गाड़ी का नंबर तक याद है जिस पर वो लौंडे बैठ कर आए थे। क्या नंबर था उसका? हाँ, 7344। उस आदमी को बाइक का मॉडल और कंपनी तो पता नहीं है, ना ही उन लड़कों के चेहरे ठीक से याद है, लेकिन इतना पक्का है कि वो बाइक ब्लैक कलर की थी और उसका नंबर था 7344। सर अगर सर इन चौक के आसपास के सारे सीसीटीवी स्कैन करने के लिए कह दिया मैंने। जरूरत पड़े तो पूरे शहर के सीसीटीवी चेक करो, जब तक हमारा सबसे बड़ा क्लू है कातिलों तक पहुँचने का। यस सर। सुरीली की जब मौत हुई तो दरवाजा अंदर से बंद था। जाहिर सी बात है ये आत्महत्या का केस बनता है, लेकिन कल तक सुरीली ने जो हिम्मत दिखाई उसको देखते हुए मन मान नहीं रहा है कि वो आत्महत्या कर सकती है। लेकिन सर और क्या वजह हो सकती है सुरीली खुदकुशी करने की? मुझे लगता है इसमें सर... हेलो, क्या सुरीली ने खुदकुशी की? क्या अपने बहन को इंसाफ ना दिला पाने की मायूसी इस खुदकुशी की वजह थी? जो नजर आ रहा था क्या वही सच था, या हकीकत कुछ और थी जिसकी कल्पना करना भी शायद इस वक्त नामुमकिन था? सुरीली और कोयल के केस से अलग किसी और जगह एक 14 साल के लड़के की जिंदगी भी कई बदलावों से गुजर रही थी। बच्चन, तुम हमारे कमरे में क्या कर रहे हो? नहीं, मैं तो बस अपना फोन लेने आया, अभी मैं चलता हूँ, बहुत लेट हो रहा है। बच्चन। 7344। यस, अभिनव, इसकी फोटो लो, विश्वकर्मा को भेजो, कंफर्म करो, क्विक फास्ट। सर। हाँ साहब, मैंने वो फोटो देखी। साहब ये वही बाइक है जो उस दिन मैंने वहाँ देखी थी। सर विश्वकर्मा ने जो गाड़ी आइडेंटिफाई की थी उसकी डिटेल्स मिल गई। किसके नाम पर रजिस्टर्ड? किसी गिरधारी के नाम पर रजिस्टर्ड है गाड़ी, दिहाड़ी मजदूर है। हाँ साहब, ये बाइक तो मैंने पिछले महीने ही बेच दी थी एक दीपक नाम के बंदे को। जिसका तूने अपनी बाइक बेची उसका एड्रेस और फोन नंबर तो होगा तेरे पास? हाँ, उसके आधार कार्ड की कॉपी ली थी मैंने। आसपास पता करो। कुछ पता चला? नहीं सर। देखो कैसे भी सर, पड़ोसी ने बताया कि सुबह ही पूरा परिवार कहीं चला गया, और ये भी बताया कि दोपहर में मॉडल टाउन पुलिस चौकी की एक टीम दीपक की माँ निर्मला को खोजते हुए यहाँ पर आई थी। मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन से कॉन्टैक्ट करो, पता करो कि वो दीपक की माँ निर्मला को क्यों खोज रहे थे। सर आसपास पता करो कहाँ गए ये लोग, जल्दी क्विक। कुछ तो चूक रहा है हमसे, कोई तो ऐसा एंगल है जिसको हम मिस कर रहे हैं। माँ पानी। मैं देखता हूँ। सर मॉडल टाउन थाने के एसएचओ से बात हुई मेरी। सर दीपक की माँ निर्मला वत्सल की ट्यूशन टीचर थी, और सर खुदकुशी करने से एक रात पहले वत्सल ने निर्मला के नंबर पर 51,000 रुपये ट्रांसफर किए थे। कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि निर्मला और वत्सल के केस में ऐसा कोई कनेक्शन निकलेगा, लेकिन अभी भी पूरी बात समझ में नहीं आ रही है। राहुल एक काम करो, निर्मला का नंबर जिस UPI से लिंक है उस अकाउंट को ट्रैक करो। आई एम श्योर निर्मला पैसे निकालने की कोशिश जरूर करेगी। जी सर। सर
सर, निर्मला के अकाउंट की सारी डिटेल्स मिल गई है। वो निर्मला के अकाउंट से किसी विशाल नाम के लड़के को पैसा ट्रांसफर हुआ, और विशाल के अकाउंट से किसी सुरेश को, और आज फिर सुबह किसी सुरेंद्र के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है सर, और इस सुरेंद्र ने कीर्ति नगर से आज कैश विड्रॉ किया है। उठा सुरेंद्र। यस सर। सर, मेरा किसी के मर्डर या सुसाइड में हाथ नहीं है। मैं एक रियल एस्टेट ब्रोकर हूँ। एक पति पत्नी का जोड़ा आया था आज सुबह घर देखने के लिए। उन्हें अर्जेंट में एक घर चाहिए था, लेकिन उनके पास एडवांस देने के लिए कैश नहीं था, इसलिए उन्होंने बोला कि वो UPI कर देंगे। बस मैंने तो वही पैसे निकाले थे। उन्हें घर कहाँ दिलाया था तूने? अभी तक सर घर तो नहीं दिलाया उसे, लेकिन पास में एक होटल में रहने के लिए जगह दिलवा दी थी। मुझे पकड़ो इसे। क्या है? छोड़िए, छोड़िए, ये सब क्या हो रहा है? चलो हो जाओ शुरू। सर, सर, मेरा असली नाम ललिता है। स्कूल में टीचर थी मैं, लेकिन कुछ साल पहले ही मेरी नौकरी चली गई। पैसों की भी बड़ी किल्लत थी, तब मैं भानु से मिली। ये सारा आइडिया भानु का ही था सर, लोगों को छलने का। तुम दोनों पति पत्नी नहीं हो, तो फिर ये दिखावा किस लिए? फैमिली वालों पे लोग आसानी से भरोसा कर लेते हैं। वत्सल सिर्फ 14 साल का था, सिर्फ 14 साल का। ऐसा क्या किया उसके साथ जो वो खुदकुशी करने के लिए मजबूर हो गया? वत्सल ने नई नई जवानी की दहलीज पर ही कदम रखा था। ट्यूशन के वक्त भी वो मुझे घूरता ही रहता था। पहले तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन भानु ने आइडिया दिया कि हम उसे आसानी से बेवकूफ बना सकते हैं। इसलिए मैंने क्या इसलिए मैंने ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? बोलने में झिझक हो रही है, बोलो। सर, वत्सल को मैंने कहा कि वो अपनी न्यूड तस्वीर मुझे भेजे। वो सीधा लड़का था सर, मान गया। फिर हमने एक और कदम आगे बढ़ाया। मैंने वत्सल को कहा कि वो अपने माँ बाप के कमरे में एक कैमरा लगा दे और उनका वीडियो भी रिकॉर्ड करे। वत्सल ने वैसा ही किया और फंस गया। हमने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। तुम लोगों का लालच इस हद तक बढ़ गया। अभी बोलो, कोयल के साथ क्या दुश्मनी थी तुम लोगों के? मेरा असली नाम मयूर है, और मैं सोशल मीडिया पर शिकार ढूंढता था। नई नई लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता था, उनसे चैट करता था और उनसे बातें किया करता था घंटों। और जो इमोशनली डिस्टर्ब होती थी उनको अपने प्यार में फंसाता था। कोयल तुझे सोशल मीडिया पे मिली थी? कोयल नहीं साहब, उसकी बहन सुनीली। वो बहुत दुखी थी, वो अपने पति से परेशान, इसलिए जल्दी मेरे झांसे में आ गई। फिर हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। शुरुआत में तो उसने मुझे पैसे दिए, लेकिन बाद में उसने सारी कहानी अपनी बहन कोयल को बता दी। कोयल बहुत चालाक थी, वो मेरी जासूसी करने लग गई थी, और वो एक दिन पीछा करते करते हमारे अड्डे तक पहुंच गई। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, हम लोगों ने अपनी चाल चल दी। जिस मुश्तेदी से पुलिस ने महज 48 घंटों में ये दोनों केसेस सॉल्व किए, वो सराहनीय है। मयूर, भानु और ललिता ने पिछले एक साल में ऐसे करीब 40 लोगों को अलग अलग तरीके से ठगा था, जो सुरीली या वत्सल की तरह इमोशनली डिस्टर्ब या वल्नरेबल थे। कोयल एक होनहार पत्रकार थी, लेकिन उसने भी एक गलती की। उसने अकेले मयूर का पीछा करने के बजाय पुलिस की मदद लेनी चाहिए थी। आज के दौर में जहां हर हाथ में एक कैमरा है, हम सब की निजी जिंदगी के कोई ना कोई पल सोशल मीडिया पर बिखरे हैं, जरूरी है कि हम सब ज्यादा एहतियात बरतें, ज्यादा सतर्क रहें। अपनी निजी बातें या फोटोज किसी के साथ शेयर करने से पहले हमें 1000 बार सोचना चाहिए। साइबर क्राइम आज के डिजिटल युग की सच्चाई है, लेकिन इसे डरने के बजाय इसे समझना, खुद की प्राइवेसी को लेकर चौकन्ना रहना बेहद जरूरी है। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रिलोडेड में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं कि हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं।
कृपया मास्क पहने, समय समय पर हाथ धोते रहें और उचित दूरी बनाए रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।